पंजाब टीवी के चैनल पंजाबी दे दर्शकों का जगतार सिंह सिद्धू वालों नज़रिया की डिबेट दे स्वागत है। मुल्क अंदर VIP कल्चर खत्म करने लैके एक नवा रुझान जोर शोर के नाल शुरू होया। जे देखा जाए तो यह चंगा रुझान है, पर इस भी पोलिटिकल पार्टियां अपने मंतव लिए इस्तेमाल कर दी हैं। जे ये भी गल करिए, इस मंतव के लिए कोई कल एक पार्टी जिम्मेवार नहीं, जिसका पोलिटिकल कल्चर ही योजा बन गया कि समुचिया पोलिटिकल पार्टियां ही इन मामलों के इनवॉल्व ने। जेकर गल करते हैं आप पंजाब की, तो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सत्ता च आने बाद यह सुनेहा दिता कि असी भी VIP कल्चर खत्म कर जा रहे हैं। मिसाल वजो उन्होंने लाल बत्ती जी गड्डियां तो खत्म करने की गल की, दो चार दिन पहला उन्होंने एक नवा जरा नोटिफिकेशन जारी किया कि हूँ जोड़े नींह पत्थर रखे जाएंगे, उन्होंने नींह पत्थर से ना विधायक तो ना किसी चेयरमैन वालों जोड़ा नींह पत्थर रखा जाएगा। और वो लिए उन्होंने एक प्रोटोकॉल भी तय किया जिदे मुताबक उन्होंने रखे कि मुल्क के राष्ट्रपति, इस तरीके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, इदा ही जोड़ा केंद्र के कैबिनेट मंत्री, जे पंजाब दे विच आउंदे तां पंजाब दे विच मुख्यमंत्री, ते पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ते जजेस, कैबिनेट मिनिस्टर, इन्हां नूं ते जिहड़े पंजाब दे लोक सभा दे नाल नाल जिहड़े हैगे पंजाब विधानसभा दे स्पीकर है, इन्हां कोले भी अधिकार ने जिहड़ा हैगा नींह पत्थर रखण दा। पर दूजे तौर पर चेयरमैन है जां होर इदां दी नियुक्तियां है उन्हां नूं इस खाते दे विचों बाहर रखिआ। सवाल यह भी पैदा हुंदा है कि एक सुनेहे की जो आप गल करते हैं कि VIP कल्चर को खत्म करने का सुनेहा देने दे नाल एक आम आदमी नू हिंदुस्तान दे जां पंजाब दे अंदर मिलेगी राहत। इन्हां मुद्दों ते मेरे नाल चर्चा जिहड़े पैनल ते विशेष मेहमान हाजिर ने, कर्नल CD सिंह कंबोज, आम आदमी पार्टी के स्पोक्सपर्सन, इदे ही साडे शहर दे सीनियर जर्नलिस्ट इंद्रप्रीत सिंह। मैं मेहमानों नू चैनल ते आउण दे लई जी आ आखदा। कमूसे जो आप गल करते हैं कैप्टन अमरिंदर के, जिदा मैं कमेंट्स की है कि उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की है पंजाबियों कि मैं पुराने ढंग सरकार नहीं चलावगा, VIP कल्चर खत्म कर लग्या, चाहे वो गल करते हैं लाल बत्ती की, जो मैं जिदा क्या नींह पत्थर रखने के सिलसिले जी उन्होंने एक सिस्टम बनाया। तो लगता है कि ये कोई जो आम आदमी है जो साधारण लोग है उन्होंने कोई राहत मिलेगी? सिद्धू साहब गल बड़ी मजाकिया ते हासोहीणी जी लगती है जी, कि कैप्टन अमरिंदर जेड़ा VVVIP कल्चर दा एक सिंबल है पंजाब दा, तुसी उस तो एक्सपेक्ट करो कि वह VIP कल्चर खत्म करेगा? जनाब ने जिस दिन चीफ मिनिस्टर बने उस दिन ही भी अपने नौकर चाकर OSD बना ले, राइट, और वो दे नाल करोड़ा रुपया जोड़ा है स्टेट के उत्ते भार पै गया, नाले रोई जाते हैं भी जी वो खजाना खाली है जी, फलाना जी ढिमका है जी जी। VOSD रिटायर बंदे सुरेश कुमार उन्होंने लिया के जड़ा है उत्ते बनाया, एक रिटायर डिप्टी जनरल साहब जी उन्हों की किताब लिखने मदद करते वगैरह वगैरह कि होर बाकी IAS गिनती करने लगे हो, कर्नल सिटिंग जो नाम भी गिनते हो कि दिल्ली के जो दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान भी रहे हैं किसी वेले, वो हूँ जोड़ा है सलाहकार की लिस्ट उन्हों का नाम भी आ गया। मैं भाजी मतलब भी तुसी समझ लो कि ये मैं की कहना चाहना, कहना मैं ये चाहना है कि एक सज्जन जिन्हू एडे वे सैकड़े नौकरशाही होने के बावजूद उन्होंने भी अपने वास्ते स्पेशल बंदे रखने पैन, राइट। एक वो सज्जन जेड़ा पिछले 4 महीने दे विच खाली 4 वारी सेक्रेटेरिएट गया होवे, जिन्हों अपने वास्ते और अपने दोस्तों ले एक अलग कोठी लैनी होवे, तुसी उस तो ये तवक्को करते हो कि वो VIP कल्चर खत्म करे? तुसी कहने लाल बत्ती, लाल बत्ती तो जी है वो सेंटर ने खत्म की थी। पर जिथे कैप्टन अमरिंदर जा रहे ने, वैसे तो कितने वो जाते नज़र आते नहीं अजकल पंजाब कदे देखा नहीं है, पर जे कि रब सोबी कितने जाना हो गड्डिया अगे भी गड्डिया पिछे तो उदे नाल पता नहीं लगता कि कौन जा रहा, उदे नाल VIP कल्चर खत्म किदा हुंदा। अगला सवाल तुसी की कीता कि जिहड़े है वो पत्थर नहीं लाने, पर जे तुसी पत्थर जी पत्थर वाला इंपोर्टेंट मुद्दा है वो मैं आ रहा पत्थरां ते, इस गल दी मैं माफी चाहना, मैं दोबारा आना, मैं इंपोर्टेंट इशू है, मैं सैपरेटली लैना तुहानू पत्थरां वाले मुद्दे ते, तुसी पुछिया ना महाराज जी, थैंक यू वेरी मच, मैं आ रहा वापस इस मुद्दे ते आ रहा तुहाडे वल।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ VIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇਕੱਲੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਉਤਾਰਨ ਨਾਲ ਤਾਂ VIP ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। VIP ਕਲਚਰ ਇੱਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ MLA 'ਚ ਕੁਛ ਸੁਖਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਹੋਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੋਰ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਰੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ MLA ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ MLA 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਣ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਲੂਟ ਵੱਜਣ, ਇਹ ਉਹ ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਲਾਈਟ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉੱਪਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਆਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ PPP ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਿਆ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲਾਤੀ, ਉਹ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਇਹ ਹੈ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ। ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ 'ਚ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਹਜੇ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਇਹ ਵਧੇਗਾ ਤਿਉਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਅਸਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਉਤਾਰਨ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਹਾਂ, ਹੁਣ VIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। VIP ਕਲਚਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਗੁਲਾਮ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਸ ਗਈ। ਯੈਸ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਾਲਕ, ਰਾਈਟ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਮਾਲਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਰਾਈਟ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬਾਬੂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦ ਸਾਡੀ ਸੋਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਬੱਤੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਗੋਟ ਨੋ ਮੀਨਿੰਗ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਨਿਸਟਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਦੋਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਦੋਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਨੇੜਤਾ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਂਕਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ, ਉਹ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਖੁਦ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੰਨਾ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਸਵੈਟਰ ਇੱਥੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਰ ਲੈਣ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪ ਚਲੇ ਗਏ। ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸੀ। ਉਹ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਉਜਲ ਦਸਾਂਝ, ਉਹ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਵਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਲਿਪਸਟਿਕਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ੋਹਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬਈ VIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਉਸ VIP ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੰਬਲ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਹੁਣ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ। ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ
ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ VIP ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਨਹੀਂ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਨੀਚਲੇ ਵਾਲਾ ਤਬਕਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹਜੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ, ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਲਾਮ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਾਨ ਖੁਦ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਕੋਈ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਲਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਆਮ ਮੋਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਧਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰ ਦੇ ਔਰ 20 ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਹਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਜਾਵੇ ਉਹ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਮਾਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਹਮਲਾ ਵੱਜਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ ਇਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜੋ ਹੈਗਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜਸਟ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਲਗਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਦੋ ਗਨਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਤਖਤੀ ਥੱਲੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 9000 ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖਤਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਪੇਡ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਹੈ, ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਉਹ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਓਨਾ ਹੀ ਲਾਓ ਲਸ਼ਕਰ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨਾ ਲਾਓ ਲਸ਼ਕਰ ਅੱਜ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਾਂ 4 ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਂ ਗਿਣਦਾ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈਮਰ ਸੀ ਔਰ 2 ਗੱਡੀਆਂ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਗੱਡੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖਤਰਾ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਸਟ ਸਟੇਟ ਸਿੰਬਲ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਦਿਓ ਅੱਜ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇੰਦਰਜੀਤ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ। ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਅਸੀਂ VIP ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲਾ ਜਾਂ VIP ਕਲਚਰ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਔਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਹਟਾ ਤੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਹਟਾਈ ਹੈ, ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ VIP ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹਟਾਇਆ, ਪਰ VIP ਕਲਚਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। VIP ਕਲਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
वी आई पी कल्चर यह होंगे कि जड़े बंदे वी आई पी नहीं है वह भी वी आई पी का दर्जा लाए घूमते हैं। मसलन जोड़ा मुख्यमंत्री है उन्हों का परिवार, जोड़े मंत्री हैं उन्हों का परिवार, अफसर हैं उन्हों का परिवार, मतलब अफसर मुख्यमंत्री मंत्री ये तो वी आई पी है ही है, पर इन दे अलावा इन्हें परिवार या नेड़े दे लोग इंजॉय करन उन्हें कहें कल्चर, वो तो बेबाक जा रही है। परसों की पंजाबी ट्रिब्यून छपया मनप्रीत बादल जोड़ा झंडा चक के चलता हमेशा वो खिलाफ वी आई पी कल्चर खिलाफ वह की नसाला वो जयजीत जौहल वो दरबार लगा रहा है और दरबार से अफसर हाजिर ने इंस्ट्रक्शन दे रहा है, फिर कारपोरेशन के ऑफिस जाके कमिश्नर के कमरे दरबार लगा रहा है, डीसी के कमरे जाके दरबार लगा रहा है, यह है वी आई पी कल्चर। ये तो नहीं रुकया, होर तो होर छड्डो होर तो होर छड्डो, जरा चन्नी है उन्हें एक ग्रीन बैल्ट सड़क कटाती अपने सरकारी रुतबे करके, ये है वी आई पी कल्चर। अगली हूँ जरा सरकार करन जा रही है लाल बत्ती का खत्म करती, पर पंजाब सरकार हूँ एक विशेष तरह की नंबर प्लेट इंट्रोड्यूस करन जा रही है जड़ी वी आई पी का चिन्ह होएगा, जिस गड्डी के उपर नंबर प्लेट लगी होएगी वो गड्डी जड़ी है सरकारी गड्डी होएगी, उन्हों प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगी। तो क्या ये द्वारा वी आई पी कल्चर लिया तरीका नहीं? मनीष जोशी जी बिल्कुल जुड़ा है, पर मैं भी दर्शकों के लिए जानना चाहता है कि जो अपनी अकाली दल बीजेपी की सरकार सी उस वेले भी तो जिस तरीके वी आई पी कल्चर से शायद कांग्रेस नालों वध ही होएगा घट नहीं हो गया। लगता कि हिंदुस्तान जिहड़ियां पोलीटिकल पार्टियां जिहड़ा सिस्टम है वह कितना ना कि लगता नहीं कि सारियां जिम्मेवार है। देखो गल यह है कि गल यह वी आई पी कल्चर मानसिकता समाज से उभर के आती है, इस कोई शक नहीं है कि साढ़े टाइम ये चीज़ा चलदिया सी असी डिनाई नहीं करते, और इस भी कोई शक नहीं है कि सानू लोगों ने नंबर तीन पर बैठाता है, नंबर ऑफ वोट साहब नंबर टू पर होवोंगे और सीटा साहब अभी नंबर थ्री पर बैठे हैं, सानू सजा मिल गई है। पर कैप्टन साहब तुम तो नारा दे के आए थी तुझे कि वी आई पी कल्चर खत्म करांगे, हुणे नंबर प्लेटां जिहड़ी इंट्रोड्यूस कर रहे हो एक ही चीज़ है, क्या यह वी आई पी कल्चर द्वारा इंट्रोड्यूस करने की गल नहीं है? जब तो विशेष नंबर प्लेट वाली गड्डी मंत्री दी ऑफिसर दी जाएगी उन्हों पुलिस वाला भी उन्हों टोल प्लाजा वाला भी उन्हों पार्किंग च भी उन्हों सरकारी जिहड़ी बिल्डिंग है उत्थे उन्हों प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगी। वी आई पी होया होर की होया जी विनीत जी कनसीडी कहो जो आपां जिस मुद्दे को इंट्रोड्यूस किया कैप्टन अमरिंदर ने कि भी पत्थर किस तरीके रखे जाने चाहिए उन्होंने विधायकों के जोड़े चेयरमैन है उन्होंने उस सूची चो बाहर कढ़िया कि भी ये हुण नीं पत्थर नहीं रख सकते। लगता नहीं कि वह कहें भी सिस्टम में कुछ असं इंट्रोड्यूस करा दें, यह नहीं कि जना खना जिदा विनीत जी कहें उठा उठ के अपना जरा नीं पत्थर रखे। देखो भाजी जी तुम जने खने की गल करते हो ना, ये जने खने की लिमिट की है, उन्होंने जोड़ा है नंबर ऑफ पीपल वो घटाते भी ए नहीं कर सकेंगे ए कर सकेंगे तो फर्क ही पिया, जे पहला 50 कर सकते सी हुण 20 कर सकते, चेंज की आई तो वो कहते जे सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। नहीं नहीं ये सिस्टम की है, व्हाट इज दिस सिस्टम, ये नाल बदलेगा की कि एक पवित्र सिंह रख सकता है बसंत सिंह नहीं रख सकता? नहीं प्रोटोकॉल रखे उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर मिनिस्टर राष्ट्रपति लोकसभा पहला भी सारे इसी तरह सी, पहला भी इसी तरह सी, और उस दे उत्ते जदों पत्थर रखा जाता है पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट वो खुद वो बनाउंदा पत्थर भी वो लगाउंदा और उहदे उत्ते लिखाउण दा खर्चा भी सारा गवर्नमेंट दिंदी है। नाउ इहदे विच है कि इन्होंने उन्होंने नंबर घटा दिता, नंबर घटा दिता पर पत्थर तो लगना है और उहदा उद्घाटन भी होना है उत्थे जिहड़ा है फंक्शन भी होना है उहदे विच तो कोई कमी नहीं आई। तो फिर तुसीं जे मैं यही कह रहा ना कि तुसीं पहला 50 बंदे रख सकते सी उदों भी एक लिमिट सी, ये नहीं सी कि जिहड़ा मर्जी जाके रख लो। लगता है कि इहदे नाल सिस्टम च कोई फर्क नहीं पै रहा। मैं एक ऐड करांगा, लोगों नूं MLA दा नाम पत्थर ते लगे लोगों नूं एलर्जी नहीं है, मिनिस्टर दा नाम लगे एलर्जी नहीं है क्योंकि लोगों ने उन्होंने चुन के भेजा है उस सरकार नूं मैंडेट दित्ता है। प्रॉब्लम तो है जब MLA दी वाइफ लगांदी है, प्रॉब्लम तो है जब मिनिस्टर दी वाइफ करती है या मिनिस्टर दे बच्चे करते हैं जिन्हां कोल वो नहीं है या हारे हुए MLA करते हैं, ठीक है तो प्रॉब्लम है, इन्हां लोगों तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं थोड़ा कहूंगा ये जो नेम प्लेट वाला सिस्टम तो कंटिन्यू करना चाहता है क्योंकि एक बंदा अपने एरिया में मेहनत करता है प्रोजेक्ट लेके आता है वो लोगों को रिमेंबरेंस भी होता है याद भी करता है कि बंदे के वेले ये चीज हुई थी। जी ये गल ठीक कह रहे हैं कि देखो जो भी मतलब मैं मान लो एक हल्के का MLA होव और मैं मेहनत कर रहा एक प्रोजेक्ट पिछे और मैं लेके आना तो मैं लगता कि यार ये इस तरह मेरा ना होना चाहिए ताकि लोग मैं याद रखन कि ये वो लैके इस कोई वो नहीं। सवाल ये है कि जो जिस पार्टी की सरकार होंगी है उसका मान लो उस हल्के MLA नहीं है और उस पार्टी का हारिया हुआ MLA जोड़ा है या हारिया हुआ MLA तो नहीं कहूँगा हारिया हुआ प्रतिनिधि जोड़ा है वो उत्थे जाके उद्घाटन करे नीह पत्थर रखे तो जो चुने हुआ नुमाइंदा उस हल्के का चुने हुआ नुमाइंदा
उस तो उन्होंने तुम इग्नोर करो, ये देखो इस प्रोटोकॉल च नहीं आता, फिट नहीं आता, और साडा सिस्टम इस करके हौली हौली कोलैप्स करता जा रहा है। ठीक है, जोशी जी इस गल नूं मन गया कि साडी सरकार वेले हुंदा रहा और पूरा हलका इंचार्ज वाला सिस्टम सी, ये सरकार ने उस हलका इंचार्ज सिस्टम नूं खत्म करने की कोशिश की है कि हाँ खत्म होए, और मैं खुद पता है कि वह बहुत विरोध हो रहा है विद इन पार्टी, बहुत विरोध हो रहा है क्योंकि जेडे इस पार्टी के भी एम एल ए है वो भी चाहते यही ने कि सानू भी हम उस तरह का ही ट्रीटमेंट मिले जो अकाली दल के एम एल ए मिलता रहा। मैं भी अपने कहे तो मुंशी लवा सकता, एस डी एम लवा सकता, की नाम है डी एस पी लवा सकता, सारा सिस्टम मेरे अनुसार। वापस आ रहा इस मुद्दे से, मेरी मजबूरी है ब्रेक की, हम लेने एक छोटी जी ब्रेक, ब्रेक तो बाद मैं इसे मुद्दे लैके वापस आ रहा। नजरिया की डिबेट दर्शकों का स्वागत। कमिश्नर जिस मुद्दे पर आप चर्चा करें कि यह भी लगता जिदा तुम बाहर की गल की, अजय मैं अपने हिंदुस्तान की गल करा तो वो जो असं साउथ जाने तो जो सा नॉर्थ का कल्चर है तो जो साउथ का कल्चर है, खास तौर पर मैं थोड़ा होर अगे जाके गल करा कि पंजाब के अंदर जो टैररिज्म का खाड़कूवाद का दौर है, उस तो बाद जी खुल मिली ना वी आई पी ऑफिसर्स नू दूजा नू अपना पूरा लाल लश्कर लैके चलन दी, हुण कोई भी फंक्शन हुंदा जिस तरीके दे नाल सारे जिले की उस इलाके की पुलिस पब्बां भार हुई हुंदी है, एडमिनिस्ट्रेशन पब्बां भार हुई हुंदी है, लगता नहीं कि यह कुछ जिहड़ा साडे ज़्यादा हैगा जे देखा जाए मुकाबले च दूजे हिंदुस्तान दे। नहीं देखो पहली गल जी मैं उस गल का जवाब देना चाहाँगा जी कि चीफ मिनिस्टर साहब भी इन्होंने कहा कि पार्टी के भी विरोधता हो रही है। यस यस क्यों ना हो वे? सीएम साहब कहते मैं तो पत्थर ला सकदा, आ जिहड़े दस मेरे बंदे है ये पत्थर ला सकते, एम एल ए नहीं ला सकता। वो ओ पी सोनी 6 बारी एम एल ए जितया, वो नहीं पत्थर ला सकता जी। जिहड़ा 2 बारी जितया हैगा वो पत्थर ला सकता क्योंकि वह कैप्टन अमरिंदर का चहेता है, राइट? तो तुम की खत्म कर रहे हो, दैट इज़ पॉइंट वन। सैकेंडली जी तुम गल की है साउथ की तो नॉर्थ की, सर मैं साउथ विच साउथ इंडियन रेजिमेंट के नाल 15 साल रहा है, उत्थे तो साढ़े नालों कितने ज़्यादा है। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੈਲਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਦਰਬੀਰ ਜੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੈਂ ਕੈਲਾ 'ਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਹਾਊਸੇ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਚਲੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਟੁੱਟਿਆ ਜਿਹਾ ਸੰਤਰੀ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ। ਸਰ ਸਾਦਗੀ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਜੈਲਲਿਤਾ, ਜੈਲਲਿਤਾ, ਰਜਨੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਐਨ ਟੀ ਰਾਮਾ ਰਾਓ, ਰਾਮਾ ਚੰਦਰਨ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੀਦੇਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨ ਕਲੱਬ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਨ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਾਰਡ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਭੋਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਹਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ 2 ਤਾਂ ਲੈ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟੌਰ ਟੱਪਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਰਡ ਆਵੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਕਲਚਰ ਕੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝੋ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਨਮੈਨ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਨਵੀਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲੀ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਟਾਈਟਲਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਕਲਚਰ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਸਮਝੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡੀ ਸੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਡੀ ਸੀ ਦੀ ਵਾਈਫ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੀ ਐਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਪਰ ਸੀ ਐਮ ਦੀ ਵਾਈਫ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੀ ਐਮ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਰੋਕੋਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਕ ਕਲਚਰ, ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਕਲਚਰ, ਇਹ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰਸਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਸੀ
तो एक पेशेंट सी जो बहुत ज्यादा जिन्हें पीजे जाना सी पहुँच नहीं सका तो रस्ते ही दम तोड़ गया सिर्फ इस करके कि उन्होंने पीजे तक जाने के लिए कोई रस्ता नहीं मिले सर लोग चाहे प्रधानमंत्री हो चीफ मिनिस्टर हो लोग चाहते हैं कि इदा दवायत बंद होने बिल्कुल चाहते हैं नहीं जो प्राइम मिनिस्टर मोदी इतने आए थे तो उन्हें याद होगा तो शमशान घाट भी ईवन बंद करता है मतलब इस तरह का होंगे और बाद खुद मतलब कई बार प्राइम मिनिस्टर तो पता भी नहीं होंगे ना तो लोकल लेवल से होंगे जी हेठले हाँ ना ही कभी शायद होता तो प्राइम मिनिस्टर ने क्या हो भी मेरी आमद है तो शमशान घाट बंद कर दो ऐदा तो उन्हें प्राइम मिनिस्टर ने भी कभी नहीं किया होना पर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कई बार कुछ ज्यादा ही उतावलापन जो दिखा ना उत्साह जो दिखा लग जाता उस भी कई बार ये हो जाता मतलब मैंने सू याद है असं उस दिन बड़ी वीडी खबर छापी इस गल की कि शमशान घाट बंद करता गया और रोड्स बंद करती हैं जिड़िया क्या भी एम्बुलेंस पहुंच नहीं सकया फिर खुद शाम तक जो एक गल इन्नी चल पी खुद प्राइम मिनिस्टर ने इस गल की माफ़ी मंगी कि भाई इस तरह होया तो मैं खेद है और उन्होंने रिपोर्ट भी मंगी ना तो भी एडमिनिस्ट्रेशन में तो मैं रिपोर्ट दे मैं ये गल कर रहा कि कई बार ठीक है कि जो थ्रैट होंगी है एक चीज़ समझने वाली है कि थ्रैट किनू है कि पोस्ट नू थ्रैट है या उस परसन है थ्रैट है तुसी देखो मैं जिहड़ी हुण तुहाडे तों पहला गल करके हटिया मैं अज सुखबीर बादल नू देखिया मैं देखिया कि उह तों उहदे नाल हुण 5% 10% भी मतलब बंदे नहीं है सेम परसन है 3 महीने पहले तक उहदे कोले मतलब इस तों 100 बंदा सी उहदे नाल अज हुण 10 बंदे है सो मेरा सवाल यह है कि सुखबीर बादल हुण थ्रैट घट गई है या थ्रैट उन्होंने एज डीसी डिप्टी सीएम के तौर पर सी मतलब इस तरह दीज़ा कई बार तुम नहीं समझ तो याद होगा कि जो लास्ट टू लास्ट वाली गवर्नमेंट सी कैप्टन अमरिंदर होर की उदों भी अमरिंदर सिंह होर ने यह कहा कि मैं अपनी जी मेरी सिक्योरिटी है उस चो मैं 33% बंदे घटा रहा अज उस की हूँ भी आके फिर दोबारा की फिर हौली 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 करते करते फिर उत्थे पहुँच जाती है गल सवाल तो यही है कि थ्रैट परसैप्शन किनू है पोस्ट न या परसन ये चीज़ा डिफाइन करनिया चाहिए और फिर उसके अनुसार ही काम करना चाहिए हूँ तुम देख लो कि सीएम का काफिला जा रहा हो मेरा नहीं ख्याल वो कोई दर्जन भर तो गड्डिया घट होंगे ने फिर वो एम्बूलेंस की नाम है ईवन आह जी फायर ब्रिगेड तक दड्डिया नाल चल दिया ने उन्होंने किन्नी परेशानी होंगी है लोगों को किन्ना खर्चा आता इस चीज़ों के उत्ते इनू समझ की भी लड़ है और घटाने की भी लड़ है दैट इज़ वैरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जे जिस पोस्ट के उत्ते कोई बंदा है जे वो अमेरिका का राष्ट्रपति है उसके लिए इन्ना ज़्यादा सिक्योरिटी वास्ते पैसा खर्चा जाता है जे वो मौजूदा प्रेजिडेंट नूं कोई मार दिंदा है तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग जे वो साबका राष्ट्रपति नूं कोई अमेरिका का मार दिंदा है तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग सो जिहड़ी आ पोस्ट की इंपॉर्टेंस ता वो रहेगी दैट इज़ गल जो एक गल इंद्रवीर होना ने मैं विच जोड़ना चाहुंदा इन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी नूं जड़िया है 20 सीटा मिली हैं जे 40 मिली हैं तो लोग ये सोचते कि भी वो जी चेंज वास्ते मैं इंद्रवीर जी ये कहना चाहना है कि चेंज तो लोग चाहते ने चेंज लई तड़प रहे ने और मैं ये तुहानू कहा कि मैं अज इत्थे नहीं तुहाडे चैनल पर भी कह चुका मैं जदों बाहर कैनेडा गया सी उत्थे भी कहा सी कि लोग चेंज चाहते ने और चेंज आके रहेगी वो आम आदमी पार्टी लैके आवे जां कोई होर पार्टी लैके आवे पर जिन्नी लोगों की खाहिश चेंज इस सिस्टम नू करप्ट सिस्टम नू इस गंदे सड़े निज़ाम नू बदलन दे लई लोगों की इच्छा वधदी जा रही है ये टाइम लग सकता है लेकिन ये निज़ाम बदलिया जाएगा वो आम आदमी पार्टी होवे जां कोई होर हो बदल के रहेगा जड़ेगा वनीत जी मैं ब्रेक से जाने तो पहले इस इशू उत्ते मैं तुहाडे ये विचार भी लेना चाहुंदा जो आप गल करते हैं VIP कल्चर की जां उत्थे VIP आउंदा चीफ मिनिस्टर आउंदा मिनिस्टर आउंदा उत्थे जिस तरीके नाल लाइना बना के लोगों नूं खड़ा किया जाता है फूल दे के बच्चों नूं घंटिया बदी पहला गर्मी के कई वारी अनेक वारी आप पढ़ते हैं कि बच्चे बेहोश होकर भी डिग पेंदे है सारा जिहड़ा है सिस्टम उत्थे आले दुआले जुड़िया हुंदा घट्टो घट्ट इहनूं तां घटाया जा सकदा नहीं नहीं इस कोई दोहरावा ही नहीं है कौन कहिंदा नहीं करना होना चाहिए नहीं होना चाहिए सब गल्लां नहीं होनी चाहिए इस कोई शक ही नहीं है पर मैं फिर अपनी गल ते आऊँगा दोबारा कि लोगों नूं प्रॉब्लम ना तो CM तो है ना मिनिस्टर तो है ना PM तो है लोगों नूं ज़्यादा प्रॉब्लम जिहड़ी है उन्होंने आस पास के परिवारों तो लोगों तो जिहड़ा हुण फॉर एग्जाम्पल महाराणी परनीत कौर ने जिहड़ा पटियाले का बाईपास हैगा उहदा उद्घाटन किया और DC SSP हाजिम समझा दें कि उन्हें उद्घाटन कैपेसिटी किया और DC SSP कि उस प्रोटोकॉल खड़े खड़े सके ठीक है
इस तरह राजा वड़िंग की वाइफ प्रोग्राम उत्थे इनोग्रेट करती है और राजा वड़िंग तक अगर समझ आता है एम एल ए वाइफ कि कपैसिटी करती पी है जैजी जौल जोड़ा है साला है मनप्रीत बादल का जो हमेशा वी आई पी कल्चर खिलाफ वो कि कपैसिटी अफसरों को बिठा के मीटिंग लै रहा है अफसरों की दरबार से हाजिरी भर रहे हैं सो ये है मतलब बेसिक समझो अरुणा चौधरी के हसबेंड जी एजुकेशन मिनिस्टर है थैंक यू वेरी मच हुण लैने आप छोटी जी ब्रेक ब्रेक तो बाद मैं वापस आ रहा इसी मुद्दे नूं लैके नजरिया दी डिबेट दर्शकों का स्वागत इंद्रवीर जी ब्रेक तो पहले इस मुद्दे ते तुसीं कहना चाहुंदे मैं जस्ट विनीत जी की गल नूं अगे वधाना चाहुंदा बिल्कुल वधाओ देखो हर चीज़ एक प्रोटोकॉल बनया होया प्रॉब्लम यह है कि साढ़े उस प्रोटोकॉल दे विच जिहड़े नूं जिन्हां ने अमल च लियाना साढ़े उन्हां च ही गट्स नहीं रही फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कहा कि जो जो जिहड़ा हैगा वो लगा रहा उस डीसी और कमिश्नर तक बैठे ये कहना चाहिए डीसी और कमिश्नर को कि तैनूं कोई राइट नहीं है बिठाने का इत्थे मैनूं मैं तुहानूं दसदा मैं पिछली गवर्नमेंट जिहड़ी कैप्टन होरां दी देखी है उहदे विच जसजीत रंधावा हुण तां चलो साडे विच नहीं रहे मैं उहनां दी इक गल दस रहा वो जस्ट उदों सीपीएस सीगे हाँ सीपीएस सीगे और उहनां नूं एक उन्होंने एक अधिकारी नूं बुलाया कि मेरे को आके मैं फाइल वाल दिखाओ और उन्होंने बड़ा मना करता भी तुहाडे कोल कोई राइट नहीं है मैं बुलाने का अगर बुलाना तो मेरे डायरैक्टर नूं बुला लो या किसी कर लो मेरा मैं नहीं आऊँगा उन्होंने इस गल की शिकायत की कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्होंने अमरिंदर सिंह ने कहा भी हाँ ठीक है तेरे कोई राइट नहीं है सो जदों तक अफसर भी साढ़े जिहड़े हैगे ना जी वो इस गल नूं नहीं महसूस करते कि हाँ मैं उत्थे जाना कि नहीं जाना एक सानू उन्होंने भी करना पेगा ना महाराणी परनीत कौर अगर वो कट रही है तो यह मतलब वो पावर कितों होर ग्रैब कर रही है पर की कोई उत्थे दे डीसी या उत्थे दे पीडब्ल्यू डी सैकटरी ने इस गलते ऑब्जैक्शन किया कि जी तुहानूं तां राइट नहीं है ये अफसर नहीं जाएगा उत्थे सो साडे कोल जिहड़े साडे अफसर ने ना जी वह भी हुण ये गल्लां करन तों हट गए पिछे इस करके ही वाधा हो रहा है मेरी गल नूं थोड़ा शायद ऐड करूंगा जिहड़ा मैं क्वेश्चन कर रहा उही भी जो इंद्रप्रीत उन्होंने इशू लिया गल करते किसी न किस तरीके जो ऑफिसर जो है उन्होंने रिस्पोंसिबिलिटी वो मैं गल जी ऐड कर रहा थोड़े लिए वो ये है कि यह भी लगता है कि जी खुद कांग्रेस भी कह रही है कि जो सतह का परिवर्तन होंगे तो नाल दी नाल जो है ऑफिसर साहबान उन्हों का रंग भी बदल जाता है जी भी पोलीटिकल पार्टी आँदी है उन्होंने उ रंगत चढ़ जाती है तो फिर वो नहीं देखते कि स्टेज पर कौन बैठा ज कौन नहीं बैठा क्योंकि सलाम तो सतह में मारते हैं देखो मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀਪੀਐਸ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਸੀਪੀਐਸ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਫਾਈਲ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣੀ ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੀ ਸੀਪੀਐਸ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਾਈਲਸ ਦੇਖੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪਨ ਮਿਨਿਸਟਰ जे वह चाहे तो वो कोल और कई बार इदा वंड भी दिता जाता कि आ फाइल सीपीएस को चले जाएगियाँ ये फाइल मेरे को सीधिया आनगियाँ कई हों कि थ्रू मेरे को डिपेंड करता मिनिस्टर ने अपनी मिनिस्ट्री किमें चलानी है तो जे मिनिस्टर की सीपीएस नहीं बनती वो कहेगा कोई फाइल वो नहीं जाएगी तो कोई फाइल वो को नहीं सर मैं देखो रूल्स के ना सीपीएस को फाइल नहीं जा सकती मनप्रीत बादल के साले का एग्जाम्पल भी दिया जय जी जौल ने जी बठिंडे च करता लगा रहा है दरबार लगा रहा है संगत दर्शन कर रहा है और उससे जो अफसर आते हैं मतलब चलो सीपीएस की गल छी उस प्रोटोकॉल सिर्फ एक ही लग सकता है सीएम चीफ मिनिस्टर लगते अनकॉन्स्टिट्यूशनल ने इसे करके हाई कोर्ट ने वो सारे जिहड़े हैगे वो खत्म करते थैंक यू वेरी मच सवाल की सी जी मैं इस मुद्दे ते गल कर रहा सीगा कि जिहड़े किसी हद तक जिहड़े अफिसर साहबान ने वो भी जिम्मेवार है इस कल्चर नूं डिवेलप करन दे लई बिल्कुल नहीं अफसर जिहड़े ने वो स्पाइनलैस ने अफसर जिहड़े ने वो राजपूत ने जिहदा राज है उहदे पूत ने राइट जे वो कोई तिड़फिट करदे है तो उन्होंने जे वो डिप्टी कमिश्नर है उन्होंने जाके उसे सैक्रटेट के खुडे लाइन ला देंगे जे वो डिप्टी कमिश्नर है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट का राजा है
सिस्टम निगर चुका है, सिस्टम सड़ चुका है, सिस्टम चो बदबू आ रही है और ये सिस्टम नु बदलिया जाना चाहिए और ये बदलिया जाएगा। कांग्रेस जी बार बार इस गल अटैक कर रही है जो आप सिस्टम की गल करते हैं तो खास तौर पर कांग्रेस के प्रधान ने कमेंट्स किए हैं कि जी पहली सरकार गई है उन्होंने तो जो पगड़ियों के रंग भी बदल देते थे, उन्होंने कहना है कि भी राजसी तौर पर पूरी तरह उन्होंने प्रशासन को रंगत देती जिद शायद उन्होंने अखों के पट्टी बन जाती है फिर वो नहीं देखते कि सिस्टम ठीक है कि गलत है। देखो जाखड़ साहब जड़े हैं ना जी वो पहले तो अपनी मंजी थले सोटा मारन, साडा तो जो असी गलत किया सानू नंबर थ्री तो लोगों ने पहुँचाता गल ही मुकाओ, असी खड़े हाँ साढ़े को एमएलए स्ट्रेंथ से नंबर थ्री हाँ, नंबर ऑफ वोट्स के हिसाब से असं नंबर टू तो हैं, गल मुकाओ असी पावर च नहीं हाँ। पर जाखड़ साहब तुम अपना हाल तो देख लो, तुहाडा की माड़ा हाल है, तुम कहते हो असी वीआईपी कल्चर खत्म करना है, तुहाडा वीआईपी कल्चर कितने खत्म होया, तुहाडे आप दे जिहड़े अफसर तुहानू प्रोटोकॉल देंदे ने डिस्ट्रिक्ट दे अंदर ते क्या वो वीआईपी कल्चर नहीं है, क्या जिहड़ा एसएसपी तुहानू जां तुसी उत्थे जाके रुकते सर्कट हाउस तुहानू सलूट मारन दा है क्या वो वीआईपी कल्चर नहीं है, क्या तुसी मना नहीं करते एसएसपी नूं कि मैनूं मिलन जाने की जरूरत नहीं, डीसी नूं मना नहीं करते, नहीं कदे भी नहीं करते, तुसी अपनी मंजी थले सोटा मारो, सानू कहनू समझाई जांदे हो जाखड़ साहब। वैसे तो जिन्ना कि तुसी लोगों च घूमते हो और जो तुसी कल्चर किया वो तो लोगों दा एक अरुण नरंग वर्गा साधा जिहा आदमी काउंसलर तुहानू हरा गया एडे वड्डे परिवार के बंदे नूं ते तुहानू समझ आई गई। चलो ये उन्होंने जिहड़ा का वखरा मुद्दा है इंद्री ते जिस तरीके नाल मैं इस मुद्दे ते लैके जिक्र कर रहा हूँ ये भी है कि चाहे पिछलियां सरकारां चाहे होर लगता कि समुचे तौर पर ही नकार आया सिस्टम। बिल्कुल मैं तो कह रहा सिस्टम ही कोलैप्स कर गया। आप इसे जो उस तो पहला आम आदमी पार्टी कि सिस्टम कोलैप्स कर गया, इस कोई शक नहीं है, चाहे कोई भी पार्टी होए जो भी वो सत्ता के आ जाती है उदों उसकी पॉलिसी होर है, जो वो सत्ता तो बाहर आती है तो बिल्कुल डिफरेंट है, फिर वो सब वी आई पी कल्चर ये वो सब नज़र आता है, लेकिन आते सारे सब चेंज फिर वो सारे ही जिवें मैं तुम्हें क्या जेडे कांग्रेस के एम एल ए इस टाइम है वो सारे ही वो चीज़ इंजॉय करना चाहते हैं कि जो अकाली दल के एम एल ए मिलती रही थी सेम सानू भी मिले, चाहे तुम वो कैप्टन अमरिंदर सिंह उस वाल उधर चलन भी तो उन्होंने वो चलन नहीं देने उन्होंने एम एल एज आप हाँ ये हूँ वो कि विल रखते हैं उस पास जाना ही जाना है जी बिल्कुल, तो विल ते डिपेंड करता है उन्होंने समा दस जो लोग देख रहे हैं वो सादे नालों चंगी तरह समझ सकते हैं कि जे पिछे उत्थे फॉरन कंट्री दे विच कैनेडा कोई एंबूलेंस पिछे हॉर्न मारती है तो सारे सड़क छड़ के सज्जे पासे अपनी गड्डियां खड़ियां कर लेंगे, ये सिस्टम है। उत्थे जेड़ी मर्जी पोलिटिकल पार्टी आ जाए जेड़ी पुलिस है वो अपने तौर दे उत्ते काम करती है, वो और पोलिटिकल बंदे उन्होंने आका नहीं है। बिल्कुल कंसीडिंग जिस मुद्दे ते तुसीं जिक्र कर रहे हो सिस्टम है जी सिस्टम दी गल, वो सिस्टम ही देख के जेड़े एनआरआईज ने सर सिस्टम तो सेम साडे भी है, प्रॉब्लम यह है कि करे कौन इहनूं डंडे नाल लागू करना है या लोगों को जागरूक करके लागू करना है, सवाल तो इस गल का जी क्योंकि सिस्टम ते काशीराम जी कौन नहीं रस्ता गल काशीराम जी कहंदे हुंदे सीगे कि जिद्दां दा समाज हुंदा उद्दां दी लीडरशिप मिल जांदी है, सानू समाज बदलना पैना है, असीं ये नहीं कर सकते कि असीं समाज जिहड़ा है वो साडा जो मंत्री के बेटे ही अगे जाके जो नेता बन गए चीफ मिनिस्टर का बेटा ही अगे जाके नेता बनेगा, आम आदमी तो वी आई पी कल्चर तो उतों वैसे ही बाहर हो गया, लगता नहीं कि एक असं मैसेज ही यह दिने कि जोड़ा है एक वक्री क्लास बन चुकी है उसका सिस्टम ही वक्रा है वह आम आदमी पार्टी नाल, आम लोगों नाल कोई लेना देना नहीं है। सो तुहाडी दोनों गल गल ठीक भी है गलत भी है, गल ठीक इस करके है कि बई अक्सर देखा जाता है कि जोड़े ऑलरेडी सैटल्ड लीडर्स ने उन्होंने बेटे राजनीति आ जाते हैं, ये एक पक्ष है, लेकिन दूजा पक्ष यह भी है डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, वकील का बेटा वकील बनता है,
डेंटिस्ट का बेटा डेंटिस्ट बनता है, तो बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बनता है, तो जो पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन बन भी गया उस माड़ा कि चुन के तो लोग ही भेजते हैं, वोटा तो लोग ही पाते हैं। एक गलत खत्म होने तो मेरी हूँ होंगे की है, एक मैंबर पार्लीमेंट होंगे वो थले पंजाब के अंदर 9 विधानसभा आती हैं, ठीक है। हुण विआह दे सीजन च किन्ने सारे विआह टाइम च आंदे ने, फिर थलों रिक्वेस्ट की आती है जी अपने वाइफ नूं भेज दो जी, अपने बेटे नूं भेज दो जी, मतलब इस तरह रिक्वेस्ट लोग आप करते हैं, फिर उसे अनाउंस भी करते हैं जी उन्हां दी वाइफ आई है जी, उन्हां दा बेटा आया है जी, उनकी बेटी आई है, कहिंदा भाव है कि भी लोग उन्होंने ऑलरेडी लीडर एक्सैप्ट करते तो उस तरफ वध जाते हैं। इन VIP कल्चर नाल जोड़ना ठीक नहीं है, पर VIP कल्चर नाल ये पक्की गल है कि मंत्री का बेटा जो उद्घाटन करेगा, मंत्री की वाइफ उद्घाटन करेगा, VIP कल्चर स्पेसिफिक इश्यूज होते थे कि जो पोलिटिकल पार्टियों के अंदर भी ये VIP कल्चर हो गया है कि जो लीडर का मुंडा वो ही नेता का बेटा ही अगे नेता बनेगा, उस पार्टी के अंदर तो हजारा लोग है, शायद बहुत सारे लोग है जो काम कर रहे होने, तो एक मंत्री का मुंडा ही क्यों अगे आए। एग्जैक्टली ये होंगे ही है कि जी देखो जो मंत्री का मुंडा VIP कल्चर भी आ गया है, है एक कल्चर का ही पार्ट है। देखो तुसी एक तरह की उन्होंने स्पेस तो देती है ना जी, जी एक बंदा स्ट्रगल करके उपर आ रहा है और एक बंदे नूं अपने आप उत्थे जगह मिल गई है, उहदे ते उहदे विच फर्क तो रह गई, लेकिन और इस गल नूं ही तुसी कहो कि यही लीडर है ते दोनों दे विच कोई भी तुसी डिफरेंशिएट नहीं कर रहे जो टिकट देने की वारी आती है, ठीक है। जो गल इन्होंने कही है विनीत जी ने कि भी चुन के तो लोग भेजे, पर टिकट तो जो दे ही उन्होंने तो उसे नहीं चुने जाएगा ना जी, जी जो स्ट्रगल करके उपर आया है, तुसी उन्हें टिकट कदों दिती है, उन्हें टिकट ही नहीं दिती, उसके लिए कोई पैसा लैन वाला नहीं है। इतने मंत्री है, मंत्री को ले, मंत्री ने अपनी पद का दुरुपयोग करके पैसा इन्ना कमाया, उही पैसा होता है अपने मुंडे दी जोड़े के लग रहे। थैंक यू वेरी मच, नाले जे डॉक्टर दा मुंडा तो डॉक्टर दी डिग्री करके ही आएगा, बिल्कुल तो पढ़ के आएगा ना, बंदा डॉक्टर नहीं बन सकेगा। थैंक यू वेरी मच जी। असीं अपने मेहमानों के नाल जो VIP कल्चर के मुद्दे पर गल करते हैं, जिदा साडे मेहमानों की भी रहे है, इहदे च भी कोई दो रवां नहीं कि साडे समाज के अंदर भी अजे इहो जिहा बहुत कुछ पाया जाता है कि असी खुद ही बहुते वारी साडे चो जिहड़े हैगे है VIP कल्चर नूं प्रमोट करते हैं और सत्ता नाल जिहड़े लोग होंदे उन्हां नूं चुक के सलामा करते हैं। जे सत्ता परिवर्तन की गल करते हैं तो हुण नौबत इत्थों तक होगी, पंजाब के अंदर कदे ये कहावत सी कि जदों पार्टियां बदलदियां तां पग्गां दे रंग बदल जाते हैं, मैं हुण इह देखिया कि पग्गां दे रंग बदलन की भी लोड़ नहीं, बंदे बदल जाते उन्हां ही पगड़ियां दे नाल। ये गल बिल्कुल सही है कि जिहड़े सत्ता दे सौदागर है उही इस तरह के कारोबार नूं करदे ने प्रमोट। इन्हां मुद्दों पर चर्चा चाउण दे लई मैं तिन्नां ही मेहमानां दे लई धन्नवादी हैं और दर्शक बने रहेंगे साडे प्रोग्रामां दे नाल।